गांव में क्रांति लाने और उसके लिए आवाज उठाने वाला एबीपीएस न्यूज आज तुरखेड़ा गांव पहुंचा। जनपद मुरादाबाद तहसील बिलारी का यह गांव 6000 से अधिक आबादी वाला है। वर्तमान में गांव की प्रधान माया देवी हैं। इस समय गांव में 500 राशन कार्ड धारक हैं, तो 90 छात्र छात्राएं प्राइमरी पाठशाला में शिक्षा ग्रहण करते हैं। इस गांव में 20 सरकारी हैंडपंप हैं, तो वहीं 105 बिजली के खंभे भी लगे हुए दिखाई दिए। यहां आंगनवाड़ी केंद्र भी है, पर उसके निकट ही प्राइमरी स्कूल के बच्चे टाट पर बैठकर पढ़ते हुए दिखाई दिए। गाँव में स्कूल का मैदान खस्ता हालत में मिला, तो गांव में खड़ंजों का निर्माण कराकर गारामुख सड़कें कर दी गई हैं, पर समस्याएं फंड न आने के कारण अब भी बरकरार हैं, जिसके लिए गांव वासियों को राज्य सरकार का मुंह देखना पड़ रहा है। ग्रामवासी प्रधान के कार्यों के बारे में बताते हैं, तो वहीं प्रधानपति प्रधानों के दर्द को बयां करते नजर आए और फंड की बेहद कमी बताई। 25 शौचालयों के लिए पैसा आने के बाद उन्हें तुरंत बनवा दिया गया है, वहीं बाकी पैसों के लिए राज्य सरकार का मुंह देखा जा रहा है। ग्राम पंचायत चंगरी से ग्राम प्रधान माया देवी, ब्लॉक बिलारी, जिला व तहसील जिला मुरादाबाद है, तहसील बिलारी है। काम खरंजा डलवाए हैं, 8 खरंजे डलवा दे दोनों गांव में, 4 इसमें 4 उसमें, और आवास भी आए हैं हमारे यहाँ, प्रधानमंत्री आवास भी आ गए 11, वो भी बनकर तो कंप्लीट हो चुकी है। 2 रह गए हैं तो अधूरे चल फिलहाल हो गए। नल कोई आए ना है, नल तो विधायक के कोठे में है, प्रधान के कोठे में नल दिए कहाँ हैं? जो भी आते हैं विधायक के कोठे में आते हैं ना, प्रधान के कोठे में कोई नहीं ला रहा। अगर आते तो हम तब तक नल अभी वापस करते। लैटिन आई है, 25 लैटिन आ गई, तैयार हो गई बनके बिल्कुल कंप्लीट। अब बकाया पैसा आने वाला है, 1-2 दिन में वो भी चालू करने वाले हैं जल्दी से जल्दी। विकास करने में यही प्रॉब्लम है कि पैसा ना आ रहा है ढंग से, पहले के मुकाबले पैसा कम आ रहा है, इस बार कम आ रहा है पैसा, और रेट भी बढ़िया ना रहे हैं अब तक। अब आके रेट बढ़िया बताते हैं, तो प्रधान सब घाटे में रहे हैं कुछ लोग ज़्यादातर, समस्या तो बहुत सी हैं ऐसी प्रधानों को जो समस्या हैं कि प्रधान तो चोर है ही है सब तरीके से, चाहे वो कितना भी काम क्यों ना कराए, लेकिन आज इस सरकार की निगाहों में प्रधान जरूर चोर है। इस्टीमेट बनता है, MB बनती है, सारे काम होते हैं, फ़ोटो खींचते हैं 3-3 बार, फिर भी चेक इन होती हैं आगे, उसके बावजूद प्रधान तो चोर है ही। प्रधान की कहाँ चलती है बताओ, नहीं कितना भी विकास क्यों ना कराए वो, कितना भी अच्छा काम क्यों ना कराए वो, लेकिन प्रधान फिर भी चोर नहीं। बाकी पैसा तो पूरा मिल ही नहीं रहा, पैसा अगर ढंग से आए तो विकास कराए जाएं, फिर उसमें तमाम तरीके की दिक्कत तो हैं ही, ब्लॉक से भी दिक्कतें होती हैं, किसी को कितने परसेंट चाहिए, किसी को कितने परसेंट चाहिए, फिर प्रधान को कहाँ बचता है, कुछ भी नहीं। प्रधान तो अपने घर से लगा के बैठता है, मैंने ये शौचालय बनवाने शुरू करे हैं, इसमें 11,600 रुपये घटे मेरे, जो मैंने अपने हाथ से बनवाया, सब चीज़ सरिया सीमेंट अपने हाथ से लगवाया बढ़िया, तो 11,600 रुपये घटे इसमें मेरे, फिर भी बताओ क्या है कुछ। उसमें भी सर वहाँ पर ब्लॉक का हिस्सा ले लेते हैं, कोई दुनिया भर की परेशानी तो नहीं। जी मेरा नाम जाकिर हुसैन है, मैं ग्राम तुरखेड़ा का रहने वाला हूँ। जी हमारे प्रधान जी बहुत ही अच्छे आदमी हैं, पहली बार प्रधान जी बने हैं इस साल ही, इस वर्ष, तो जो भी हमारे यहाँ का विकास कार्य है वो बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने कराया है, जो भी देखभाल है अच्छा है, जो रास्ते हमारे गाँव में पहले ख़राब थे आज वो अच्छे ढंग से हैं, जो हम कीचड़ में निकल पा रहे थे आज हम खड़ंजे पर जा रहे हैं जहाँ के हमें पानी की दिक्कत है ही नहीं। और रही बात अच्छाई की, अच्छाई होती है तो अभी तो काम कराया है इन्होंने, जब आज ये इनकी अच्छाई है इसीलिए इन्होंने, जो हम पानी में निकलते थे आज हम अच्छी तरीके से निकल पा रहे हैं, जो शौचालय हमारे गांव में आए थे 25 अभी तक आ चुके हैं वो इन्होंने तैयार करा दिए, जो प्रधानमंत्री आवास आए थे वो भी इन्होंने पूरे करा चुके, जो 1-2 रह गए पैसे की दिक्कत है, जो पैसे आ जाए तो आदमी काम कराएगा, वरना जब पैसा ऊपर से नहीं आएगा तो फिर आदमी कहाँ से काम कराएगा।